Hello student, today we see the next topic, that is the order of a system. Okay, in this we see the first, that is order of system. What is order of system? Consider characteristic equation of closed loop system with unity feedback, that is the denominator part of, that is the transfer function. Okay, the denominator part, already see the transfer function of poles and zeros. Okay, so consider only the denominator part of the transfer function, that is f of s is equals to b of 0 s raised to n up to plus bn equals to 0. Okay, then what is the definition of order of the system? The highest power of the complex variable s present in the characteristic equation is known as a order of the system. Okay, ye jo denominator ka equation rahega apna, उसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगी वही अपना क्या रहेगा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. ओके, सो सी द नेक्स्ट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑन ऑर्डर ऑफ सिस्टम. सी इफ ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, फॉर एग्जांपल दिस वन. ओके, सो द डिनोमिनेटर पार्ट इज दैट एस रेस टू 4 प्लस 7 एस क्यूब प्लस 10 एस स्क्वायर प्लस 5 एस प्लस 5. ओके, so in this the highest power will be s raised to 4. Okay, so comparing denominator of above given transfer function with the standard characteristic equation, we get n is equals to 4, means the highest power it is 4. Okay, yahan pe s ka highest power kitna hai denominator mein, that is 4. To ye kaun si order of system hogi, that is the, hence it is the fourth order of system. Okay, depending on the highest power, following are the types of system. अभी जो देखने वाले हैं हम लोग जो है types of the system, तो first है अपना, that is the zero order system. Okay, in this zero order system, see the diagram. The first, that is there is a no term of s, that is only 1/1 + t. ओके, ब्लॉक में क्या है, सिर्फ 1/1 + t. सो दिस इज द जीरो ऑर्डर टर्म बिकॉज देयर इज अ नो एस रेस टू पावर. ओके, यहाँ पे एस रेस टू आपको जो है पावर कितना है, जीरो है. यहाँ पे एस टर्म है क्या, नहीं है, तो इट इज अ जीरो ऑर्डर सिस्टम. सो इफ इफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस present in the characteristic equation is zero, then it is called as the zero order system. Okay, consider unity feedback system with a transfer function. We have a transfer function kya diya hai, that is 1/1 + t. So hum log kya karte hain, hardam denominator term ko equate karte hain zero se. To yaha pe kya hai, 1 + t is equals to kya ho jayega, zero ho jayega. Lekin yaha pe s raised to मीन्स एस की टर्म है क्या, नहीं है, लेकिन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एस एस टू जीरो है. तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू जीरो, हेंस हाईएस्ट पावर ऑफ एस इज इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ पे सिस्टम कौन से हो जाएंगे, इट इज़ अ जीरो ऑर्डर सिस्टम. ओके, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एम्पलीफायर टाइप ऑफ कंट्रोलर सिस्टम इज अ जीरो ऑर्डर सिस्टम. जो भी कंट्रोलर सिस्टम एम्पलीफायर के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होगी, वो जीरो ऑर्डर सिस्टम होगी. प्रैक्टिकल एग्जांपल है. ओके, आगे जाके जो देखने वाले हैं वो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके, अभी इधर देखो, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या है, ब्लॉक डायग्राम में जो भी डायग्राम है उसमें क्या दिख रहा है, देखो अपना ट्रांसफर फंक्शन क्या है, 1/1 + SCR. ओके, अभी यहाँ पे जो है आपके ट्रांसफर फंक्शन में एस की टर्म डी है. ओके, तो अगेन सेम एज प्रीवियस डेफिनेशन, ओनली चेंज इज दैट जीरो, जीरो के जगह पे क्या आएगा, वन आएगा. सो द डेफिनेशन इज दैट इफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल प्रेजेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज वन, देन इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके, जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें अगर हाईएस्ट पावर जो है एस की वन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके, उसके बाद में देखो, जो भी कंसिडर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद द ट्रांसफर फंक्शन क्या है अपना, ऑलरेडी जो है डायग्राम ने दिया था, 1/1 + SCR.
आर. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है डिनोमिनेटर का, उसको किससे इक्वेट करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं. ओके, तो क्या लिख रहे हैं देखो, वन प्लस एस सी आर इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, वन प्लस एस सी आर इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पावर कितना आ रहा है, दैट इज अ वन. ओके, सो क्या होगा यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ एस इज इक्वल टू वन, हेंस द सिस्टम इज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके, हाईएस्ट पावर जो है एस का यहाँ पे वन है, तो ये क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगी. प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए देखो, आरसी सर्किट्स है, थर्मल टाइप सिस्टम्स है, या पिनेमेटिक टाइप सिस्टम्स है, ये सब क्या रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके, अभी लास्ट जो है वो है अपना सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है. अभी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में डायग्राम में भी देखो क्या है, एस स्क्वायर वन अपॉन एस स्क्वायर एल एस प्लस एस सी आर प्लस वन. ओके, अभी यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है एस की, दैट इज द टू. सो डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस प्रेजेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज टू, देन इट इज कॉल्ड एज द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. अभी यहाँ पे जीरो की जगह पे, वन की जगह पे क्या आएगा, टू आएगा. ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी अपना ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज जी ऑफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर एल एस प्लस ई एस आर सी प्लस वन. ओके, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या बनेगा, दैट इज एस स्क्वायर एल एस प्लस एस आर सी प्लस वन इज इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो बनेगा. अभी एस की पावर कितनी है इधर, दैट इज टू. सो हाइस्ट पावर ऑफ एस इज इक्वल टू टू, हे इज द सिस्टम गिवन अबव इज द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. और जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिए हैं देखो, क्या क्या है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सर्वो मैकेनिज्म सिस्टम है, रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम है, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट सिस्टम्स है, एक्सेट्रा. ये जो है ये सब कौन से हैं, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. ओके, जो भी रोबोटिक्स के जो भी कंट्रोल सिस्टम आते हैं, जो अभी लेटेस्ट इसमें आ रहे हैं रोबोटिक्स, वो भी क्या हो जाएंगे, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. ओके, तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, दैट विल बी द एंड. सो थैंक यू वेरी मच.